नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम में और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा, खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति करना छोड़े भूपेंद्र हुड्डा। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह को मुख्यमंत्री सैनी ने किया सम्मानित। हरियाणा कांग्रेस में सीएम पद पर दावेदारी, सैलजा के बाद अब रणदीप सुरजेवाला मैदान में करेंगे परिवर्तन रैलियां। नायाब सरकार की हर घोषणा, विपक्ष पर वार, क्या तीसरी बार भी बनेगी भाजपा सरकार। बबीता फोगाट ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले पर राजनीति न करे, विनेश को हम 2028 ओलंपिक में उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने कहा, भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से बौखलाया विपक्ष। हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, विनेश फोगाट पूरे देश की निगाह में गोल्ड मेडलिस्ट, राज्यसभा भेजने की बात हुड्डा का राजनीतिक स्टंट। एसीबी की टीम ने निजी व्यक्ति को 22,500 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों किया गिरफ्तार। हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल ने कहा, कांग्रेस कार्यालय में महिला पहलवानों को नौकरी के लिए करना पड़ा था संघर्ष। यमुनानगर में व्यवसायी के ठिकाने पर सीबीआई की रेड, 3 किलो सोना और 60 लाख रुपए की नकदी बरामद। पानीपत में छात्रा रेप केस में होटल मालिक गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड पर 800 रुपए लेकर एक घंटे के लिए दिया था कमरा। हरियाणा के अमन ने ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल, छोटी उम्र में खोए माता पिता, उनका सपना पूरा किया, मैच से पहले बढ़ गया था वजन। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।